के साथ बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स की। बाकी फर्स्ट इंप्रेशन इज प्रिटी गुड, वॉच अच्छी खासी हेवी है एंड बिल्ड इज प्रिटी नाइस एंड बटन्स कोई भी हिल नहीं रहे एज सच। आप देखेंगे रोटेटिंग क्राउन भी एकदम स्टिफ है, ये वाला बटन भी एकदम स्टिफ है, तो कोई भी बटन में मूवमेंट वाला हिसाब किताब नहीं है कि एक्स्ट्रा मूवमेंट आपको मिल रही हो। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर यहाँ पे जो वॉच है उसको बनाया गया। ओके सो ये वाला बटन जो है ये हमारे ऑन या ऑफ के काम आता है। प्लस आप जो रोटेटिंग क्राउन है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि उसमें हमें रोटेटिंग क्राउन के साथ साथ जो बटन है उसका भी फीचर यहाँ पे दिया गया। सो उस पर आप यहाँ पे बटन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं बैक जाने के लिए। प्लस आप अगर वॉच ऑन करना चाहते हैं तो आप अगेन रोटेटिंग क्राउन को प्रेस करके ऑन कर सकते हैं, नहीं तो आप इस बटन को प्रेस करके ऑन कर सकते हैं। साथ के साथ हमें मेन्यू सिस्टम में जाना है जैसे, तो उसके लिए भी आप जो रोटेटिंग क्राउन है उसको प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप जो मेन्यू सिस्टम है उसमें यहाँ पर चले जाएंगे। अगर हम इस वाले बटन की बात करें तो ये हम एक तरीके से शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं इस बटन का। अभी हमने इसको स्पोर्ट्स मोड के अंदर डाल रखा है एंड स्पोर्ट्स मोड पे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं 60 प्लस से ज़्यादा स्पोर्ट्स मोड के ऑप्शन जो हैं वो आपको यहाँ पे इस वॉच के अंदर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। सो बेसिकली कोई भी स्पोर्ट अगर आप यहाँ पे कर रहे हैं, लाइक आप यहाँ पे चेकआउट करेंगे बॉक्सिंग हो गया, स्ट्रेचिंग हो गया, वॉलीबॉल हो गया, हॉकी हो गया, तो वो सारी चीज़ें आपका जो वॉच है इजीली ट्रैक कर लेगा जिससे आपको एक फाइनल रिजल्ट निकालने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आसानी होगी। ओके